अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि ये टॉपिक मैं बात करूंगा स्पीड ब्रेकर के बारे में। भाई, हर गली पे, हर चौराहे पे, जिधर भी देखें ना, आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। बल्कि हर घर के सामने, हर दुकान के सामने, और मतलब कि ये समझें कि किधर नहीं है स्पीड ब्रेकर। पाकिस्तान में तो हर जगह पे हैं भाई। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि ये जो मोटरवे और हाईवे बने हुए ना, यहाँ पर भी मुझे लगता है, कभी कभी डर लगता है कि इधर भी ये स्पीड ब्रेकर ना बने हो। तो ये एक अजीब सी हमें आदत पड़ गई है। हम क्या करते हैं कि जिधर भी आए भाई, जिधर मेरा अगर कोई घर है, तो वो मैंने क्या किया कि किसी रोड के साइड पे अपना घर बना लिया। भाई, लाजम सी बात है, अगर घर बनेगी, घर में लाजम सी बात है अपना रोड के साइड में ही बनाऊंगा ना, तो मैं कहीं दूर तो नहीं बनाऊंगा। अगर जिधर भी बनाऊंगा तो वहाँ से कोई ना कोई गली जाएगी, वहाँ से कोई ना कोई रास्ता जाएगा। तो ये कौन सा तरीका है कि उधर आप अपने घर के सामने स्पीड ब्रेकर बनाए। मुझे तो कम से कम ये बात समझ नहीं आ रही ना भाई। आप इतना तो देखें, ये स्पीड ब्रेकर आप बनाते किस वजह से हैं। अगर आपका कि ये माइंड है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चे बाहर खेलते हैं तो स्पीड ब्रेकर की वजह से जो तेज़ गाड़ियों में, तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, कार गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनकी वजह से ना फिर आपके बच्चों की सेफ्टी हो जाती होगी। ठीक है, मान लिया, ऐसा ही है। लेकिन भाई, कोई फजीलत होती है, कोई तरीका होता है स्पीड ब्रेकर बनाने का। ये कौन सा तरीका होता है कि भाई उधर आपने वो सामने बस ऐसे ही पत्थर रख लिए और उसके ऊपर आपने कोई सीमेंट लगा लिया, ये बन गया आपका स्पीड ब्रेकर। और बंदा भाई, ये कैसे कहते हैं कि बंदा अगर वहाँ से बाइक से या कोई वो इमरजेंसी वाला केस कोई हो, कोई डिलीवरी का केस हो, तो वो तो ऐसे 3-4 स्पीड ब्रेकर के बाद डिलीवरी का केस ही हल हो जाता है। अस्पताल जाने का क्या मकसद फिर? तो भाई पाकिस्तान है ना, तो इसको तो 3-4 ऐसी वो एम्बुलेंस वाले को बोल दो कि भाई इस हॉस्पिटल क्यों चल रहे हो, तो इसको उधर किसी गली से लेके चलो, सामने कोई स्पीड ब्रेकर मिल जाएगा। एक ना, दो ना, तीन ना, चार, चौथे में तो काम हो जाएगा ना। तो फिर मुझे बात समझ नहीं आ रही, इसका काम क्या है। मुझे कोई समझाए तो सही ना। स्पीड ब्रेकर घर घर के सामने, स्पीड ब्रेकर दुकान के सामने, स्पीड ब्रेकर। खुदा के बंदों, गलियों को छोड़ें, रास्तों को छोड़ें, जिधर अगर कोई स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत नहीं है तो ना बनाए। अगर आप बनाना ज़रूरी समझते हैं तो कम से कम कोई फजीलत से तो बनाए स्पीड ब्रेकर। तो जहाँ से गाड़ियाँ अगर जाएँ तो स्पीड कम हो। इसका मकसद ये तो नहीं कि गुर्दे से पथरी निकल जाए, इस तरह से ये मतलब किस तरह के स्पीड ब्रेकर होते हैं कि भाई बंदा उधर से अगर कोई स्पीड ब्रेकर से कोई गाड़ी क्रॉस करता है तो ये समझो कि बंदा, मैं तो समझता हूँ भाई, बंदा जाके ना वो चांद को हाथ लगा कर वापस लौट के आ जाए। तो इतनी बड़ी जंप लगती है वहाँ पे स्पीड ब्रेकर पे। हमारे यहाँ ये तरीका है, ये कुछ तरीका है। खुदा के बंदों, कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो देखो। कोई पेशेंट वहाँ से गुजरते हैं, कोई बंदा काम से जा रहा होता है, आपने गली गली में स्पीड ब्रेकर का, आपने दुकान के सामने स्पीड ब्रेकर, ये ना कोई तरीका, ना कोई फजीलत। जिधर भी अगर आपको पैसे, आपने पैसे खर्च किए हैं, स्पीड ब्रेकर बनाया है, तो कोई तो तरीके से बनाओ ना। आपने अगर देखेंगे डिफेंस में, डिफेंस के इलाकों में, आर्मी के इलाकों में, जिधर भी ये छावनियाँ बनी होती हैं, वहाँ से आप गुजरो, वहाँ से आपको ये स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। वहाँ से तो कुछ तो तरीका है ना, वहाँ से तो कोई फजीलत से बने, इस तरह के तो बनाओ। अगर बनाने हैं, अगर आप बनाना ज़रूरी समझते हो तो इस तरह के तो बनाओ। कोई बंदा अगर क्रॉस करे तो कम से कम भाई इज्जत से तो क्रॉस करे, मतलब उसका स्पीड कम हो, लेकिन
गाड़ी को नुकसान तो ना हो। ये स्पीड ब्रेकर की वजह से आप समझे कि कोई हर 15 दिन के बाद गाड़ी के ये सस्पेंशन का मसला हो जाता है, कभी आयल लीक हो जाता है सस्पेंशन से, कभी स्प्रिंग ख़त्म हो जाते हैं, कभी तो टायर ही पंचर हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ यही चल रहा है, मुझे तो बात समझ नहीं आ रही। तो आपसे इल्तिजा है कि स्पीड ब्रेकर बनाने हैं तो कोई फजीलत से बनाओ। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि मैं अपनी जो, क्योंकि मैं इनसे ना बहुत भाई बहुत सदमे खाए हैं ये स्पीड ब्रेकर की वजह से, मैंने बहुत सा नुकसान खाया है, ठीक है ना। तो मैं जहाँ से भी स्पीड ब्रेकर देखता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। मैं कहता हूँ यार ये कौन सा कानून है, ये किस कानून के तहत ये स्पीड ब्रेकर बनाते हैं। और कभी कभी कहता हूँ मैं तो यही सोचता हूँ, अगर जिधर जहाँ पर जिस घर के सामने स्पीड ब्रेकर बना है ना, तो अगर वहाँ से आप एक नया रोड बनाओ तो फिर उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर बनाएंगे घर वाले जो होंगे या दुकान वाले। तो मैं फिर कभी कभी मुझे गुस्सा चढ़ता है, फिर दिल में सोचता हूँ कि यार यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बननी, अगर इसको इसको पसंद था स्पीड ब्रेकर बनाना नए रोड पे, अभी ब्रेक मतलब अभी ये रोड बना है तो वहाँ पे उसने बंदे ने स्पीड ब्रेकर बना दिया। तो मेरा कभी कभी दिल बोलता है कि यहाँ पे रोड बनना ही नहीं चाहिए था। ये वाला जो इसके घर के सामने था या इसके दुकान के सामने था ना, इसको ऐसे ही छोड़ देता, यहाँ पे रोड बनाना ही नहीं था, क्योंकि इसको रोड ये रोड डिजर्व ही नहीं करता बंदा, ऐसे ही है ना। तो यार मेरी अगर बुरी बात बुरी लगी तो यार मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने ना स्पीड ब्रेकर की वजह से ना बड़ा नुकसान खाया है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अगर स्पीड ब्रेकर बनाना ही आप ज़रूरी समझते हैं, अगर आपके कोई आप समझते हैं कि आपके बच्चे बाहर खेलते हैं या कोई भी वजह है, या आप समझते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ आहिस्ते चलेंगी तो शायद आपका दुकान है तो आपकी दुकान पर किसी का नज़र पड़े, तो ये भी कोई वजह हो सकती है। अगर इस तरह का कोई वजह है तो कोई ब्रेकर बनाओ, फजीलत का बनाओ यार, कोई बंदों को नुकसान ना दो, बंदों को परेशान तो ना करो। ये परेशान करने के लिए बनाते हो तो ये तो फिर क्या हो, मैं क्या बोलूँ अभी आपको। खैर एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। इंशाल्लाह आगे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, मेहरबानी।